आज मैं बता रही हूँ आपको फैंसी ट्राउज़र। तो यहाँ देखिए, हम इसको लेस की मदद से तैयार करेंगे। तो चलें इसको फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखें, इस तरह ये 2.25 मीटर कपड़ा है हमारे पास, और यहाँ मैं इसको डबल करके इस तरह से तह लगा लूँगी इसकी। तो यहाँ हम डबल कर लेंगे इसको लंबाई में। यहाँ देखें, ट्राउज़र के आगे वाले पार्ट की पहले हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसकी लंबाई में ले लूँगी 40 इंच लंबाई। यहाँ पे इस तरह से हमें पहले सेपरेट कर लेनी है। तो यहाँ पे मुझे मैंने लंबाई 40 इंच इसलिए रखी है कि 2 इंच मुझे यहाँ से नेफी के लिए फोल्ड करना होगा, और यहाँ पे मुझे इसमें फैंसी वाली ये वाली लेस लगानी है। तो लेस को हम यहाँ बढ़ा के लगाएंगे, तो इससे हमारी लंबाई पूरी हो जाएगी इसकी। यहाँ देखें, जिस साइज़ का हमें पजामा तैयार करना है, ट्राउज़र तैयार करना है, उसी साइज़ को हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, और इससे 1-1 इंच यहाँ पर हम एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे। अभी इसी तरह यहाँ से हम लेंगे 14 इंच, ये हमारा हिप्स का हिस्सा होगा। यहाँ पे इसमें सीधी लाइन डाल लूँगी मैं, इसको यहाँ से इस तरह मिला देंगे हम। तो यहाँ से पहले इसकी कटिंग करके निकाल लेती हूँ, फिर हम इसके बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये बिल्कुल हमारा सिंपल वाला ट्राउज़र है। यहाँ से हमें इसका बैक पार्ट कटिंग करना है, हम वापस से बिछाएंगे, और इसके ऊपर हम यहाँ पे इस तरह बिल्कुल बराबर बिछा लेंगे। तो यहाँ हमें इसकी बिल्कुल बराबर बना लेने के बाद, अब यहाँ पे हमें इस तरह कटिंग करनी है इसकी। लंबाई तो नीचे से हम बिल्कुल बराबर ही रखेंगे, तो लंबाई का निशान हमें कुछ भी नहीं करना, लंबाई हम सेम वही रखेंगे। यहाँ से देखेंगे, जो हमारा ये वाला बैक वाला पार्ट होगा, इसको हम यहाँ पर 1 इंच बढ़ा देंगे इससे। तो यहाँ पर पूरे में 1 इंच बढ़ाते हुए हम एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे। तो ये देखें, फ्रंट वाला जो पार्ट होता है, उससे बैक वाला पार्ट जो होता है हमारा 1 इंच लूज़ होता है। तो जब हम पहनते हैं तो इसके अंदर हमारे कहीं से भी पजामा टाइट नहीं होता, और ये हमारा बहुत अच्छा फिटिंग के साथ बनता है। तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल वाला ट्राउज़र है। ये मैंने आपको पैंट स्टाइल वाला नहीं बताया है, बिल्कुल सिंपल वाला बताया है। यहाँ से हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमने इस तरह से कटिंग कर ली है कंप्लीट। तो अब जब यहाँ इलास्टिक लगाते हैं हम, तो ये हिस्सा हमें ये लग रहा है कि हमें मोड़ने में मुश्किल लगेगा, लेकिन ये हम जब मोड़ते हैं तो हमें बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, आराम से मुड़ जाता है ये। तो अब यहाँ से सबसे पहले हमें इसको भी यहाँ से अलग कर लूँगी मैं, तो एक कम वाला और एक ज़्यादा वाला, एक फ्रंट वाला और एक बैक वाला मिला के हम इसको सिलाई लगाएंगे फिर। तो यहाँ देखें, इस तरह हमारे ट्राउज़र की कटिंग हो गई कम्प्लीट। तो अब यहाँ पे हमें इसकी स्टिचिंग करनी होगी। तो स्टिचिंग करने में सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें आसन की सिलाइयाँ लगाएंगे। ये इसकी इलास्टिक है, तो इलास्टिक भी हम यहाँ साथ ही निकाल लेते हैं। तो ये मैं इस तरह से यहाँ पे 20 इंच की इलास्टिक निकाल ली हूँ। तो ये हम जब इसको डबल करेंगे तो ये हमारे पास 10 इंच इस तरह होल बन जाएगा। इस तरह सबसे पहले हम आसन की सिलाई लगाएंगे। तो ये जो फ्रंट वाला पार्ट है, हम इसको पहले आसन मिला के सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ देखें, ये जो कम वाला है हमारा, ये फ्रंट वाला साइड है, और जो थोड़ा 1 इंच मैंने बढ़ा के रखा था, ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो पहले हम आसन को सिलाइयाँ लगा लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी सेंटर की सिलाइयाँ लगाएंगे। यहाँ देखें, इस तरह आसन की सिलाइयाँ लगा ली हैं हमने। तो अब यहाँ से हम इसको इस तरह खोलेंगे, और ये जो दूसरा वाला साइड है, फ्रंट वाला और बैक वाले को आपस में इस तरह से मिला के, तो यहाँ सेंटर की सिलाइयाँ लगा लेंगे हम। ये देखिए, मेरे को इस तरह सेंटर में सिलाई आएगी। तो देखें, साइडों की सिलाइयाँ लगा ली है मैंने, और तो यहाँ से भी देखें इसको इस तरह से। तो अब यहाँ पे हम इसको इस तरह करेंगे, जो सिलाई लगाई है हमने, इस सिलाई को इस तरफ कर लेंगे। किसी तरफ भी कर सकते हैं हम, यहाँ पर इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। तो इस सिलाई को हम किसी तरफ भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें इसमें किनार की सिलाई लगानी है, इससे ये अच्छा सा जम भी जाएगा, और यहाँ पे फिनिशिंग भी आ जाएगी इसमें। तो ये देखें, इस तरह से मैंने ये साइडों की सिलाइयाँ भी लगा ली हैं यहाँ पे, और इसमें ये फिनिशिंग के साथ जो ऊपर की सिलाई लगती है किनार की, ये भी हमने इसकी लगा दी है। तो अब यहाँ पर हमें इसमें इलास्टिक लगाना होगा। तो इलास्टिक में भी यहाँ पर सिलाई लगा के पहले इसका होल बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ से देखें, इलास्टिक को हम इस तरह रखेंगे, और यहाँ पे इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये 2 से 2.5 इंच का हम अंदर इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे सिलाई लगानी है हमें, तो इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी होगी हमें, इलास्टिक से नीचे रख के सिलाई लगानी है। यहाँ सिलाई जो लगाऊंगी मैं, इलास्टिक के ऊपर नहीं लगाऊंगी, सिर्फ कपड़े के ऊपर लगाऊँगी सिलाई। तो यहाँ देखें, इस तरह इलास्टिक लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से जब करेंगे, तो ये पूरी इलास्टिक हमारी पूरे ट्राउज़र में बराबर आ जाएगी।
तो ये देखिए इलास्टिक चौड़ी होती है, तो यहाँ सेंटर में एक हम यहाँ पे सिलाई और लगा देते हैं, वरना ये फिर अंदर जाके प्लास्टिक मुड़ने लगती है तो फिर मज़ा नहीं आता पहनने। यहाँ देखें इस तरह हमने इसकी इलास्टिक लगा ली है। अब यहाँ से हमें इस यहाँ पे सामने डिज़ाइनिंग करनी है, यहाँ पे ये वाली लेस लगानी है इस तरह से इसके अंदर। तो यहाँ देखें इस तरह ये मेरे पास लेस है, तो ये लेस सिंगल में देखें इस तरह से है। अब मैं यहाँ पे इस बीच में सिलाई लगा के पहले इसको मैं इस तरह डबल बनाऊँगी, डबल बनाने के बाद फिर मैं इसमें यहाँ पे अपने ट्राउज़र में इसको लगाऊँगी। तो यहाँ देखें मैंने सिलाई लगा ली है, सिंगल पैर की मदद से मैंने सिलाई लगाई और यहाँ पर ये देखें इस तरह जुड़ने के बाद ये ऐसे बन गई है हमारे पास। तो अब यहाँ पे जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग करके निकाल देंगे। यहाँ पे जो ये सेंटर में जुड़ी हुई है तो यहाँ से भी मैं इसको कटिंग करके दो कर लेती हूँ इसके, ताकि ये जो फैंसी बेलों के साथ हम ट्राउज़र बनाते हैं बहुत ही हमारे खूबसूरत लगते हैं, ये बिल्कुल हमारे फैंसी ट्राउज़र हो जाते हैं। यहाँ पर हमें ये पाइचे को आगे से मोड़ना होगा, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से करके पहले मोड़ लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हमने इसको मोड़ लिया है, तो ये बिल्कुल पतला सा ही मोड़ा है, हमने ज़्यादा चौड़ा नहीं मोड़ा है। तो अब यहाँ पे हम इसके बेल के दो कर लेंगे क्योंकि हमें दो पैंचों में लगानी है। तो यहाँ से देखें थोड़ा थोड़ा खाली आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे बेल के बीच में से कट कर रही हूँ ताकि दोनों पैंचों में मैं बिल्कुल बराबर लगा सकूँ। तो यहाँ से मैं इसको कट कर लेती हूँ, मैं इसको ऐसा करूँगी यहाँ पे रखूँगी। यहाँ देखें हमारे पास इस तरह से ये बेल है, तो इसके किनारों पर यहाँ पर मोती लगे हुए हैं, तो यहाँ पर मोती लगने की वजह से हम मशीन से सिलाई नहीं कर सकते इसमें। तो यहाँ पर हम इसको किसी भी पेस्टिंग की मदद से इसको लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं ग्लूगन का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसके बाद फिर ये जो इसके कंगूरे बने हुए हैं इनको मैं सुई की मदद से इसको तुरपाई वाले टाके से अटैच कर दूँगी। तो अभी यहाँ पे हमें इसको इस तरह से लगाना होगा। एक दफ़ा हमने वहाँ से सीधे साइड से लगाई थी और एक दफ़ा हम यहाँ पर इसको डॉट्स की शक्ल में इस तरह से भी लगा लेंगे ताकि ये हमारे फिर अच्छे से लग जाएगी। तो ये देखिए हम बिल्कुल अच्छे से लग गई है हमारे एक पैंचे में। तो यहाँ इसी तरह मैं दूसरे पैंचे में भी लगा लेती हूँ। यहाँ देखें इस तरह मैंने ये बेल को इसमें लगा लिया है, तो ये देखने लगने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही है, ये बिल्कुल हमारा फैंसी ट्राउज़र लगेगा इस तरह तैयार होने के बाद। तो यहाँ अब हम इसको इस तरह डबल करेंगे और डबल करते हुए जितना हमें अपना मोरी रखना है आगे से इतनी हम रख के और बाकी इसमें सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर मैं इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधे इंच जितनी इसकी रखूँगी यहाँ से, क्योंकि ये लेस पहले ही मेरे पास आधे इंच कम आ रही है, तो यहाँ से सिर्फ आधे इंच इस तरह रखते हुए मैं इसमें यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ देखें हमने इस तरह साइड की सिलाई लगा ली है इसकी। अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह हमारा बिल्कुल फैंसी ट्राउज़र सिल के तैयार है। ये देखें तैयार होने के बाद भी बेल लगने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है ये।